सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के 4 बड़े नेताओं को 1 साल में जेल भेज दिया। लेकिन 4 जून को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, तब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। देश के 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 2024 जारी है। 3 चरण पूरे हो चुके हैं और 4थे चरण का चुनाव सोमवार 13 मई 2024 को होगा। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम शनिवार को थम गया। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी अभियान में जुटी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 4थे चरण में उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 4, आंध्र प्रदेश की 25 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। कांग्रेसी नेता किस तरह से अपने बेतुके बयानों से कांग्रेस का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं, इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। उनके इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर ही थी कि मणिशंकर अय्यर एक वीडियो में अपना पाकिस्तान प्रेम व्यक्त करते और यह कहते दिखे कि उसे सम्मान देना चाहिए और उससे बात की जानी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि बीते 10 वर्षों में पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं दी गई, वह पहले भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुके हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट शुक्रवार 10 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ इस वर्ष की 4 धाम यात्रा आरंभ हो गई है। लेकिन मौसम विभाग ने 13 मई तक उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 11 मई से 13 मई तक प्रदेश में बारिश रहेगी। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एंडरसन अपना आखिरी टेस्ट मैच इस साल जुलाई के महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में खेलेंगे। यह टेस्ट मैच 10 से 14 जुलाई के दौरान होगा। 41 साल के एंडरसन ने साल 2023 में लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह 187 टेस्ट मैचों में 700 विकेट ले चुके हैं। एंडरसन 700 टेस्ट विकेट के एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले तेज गेंदबाज है। एंडरसन ने इस साल भारत के धर्मशाला टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को आउट करके 700 विकेट पूरे किए थे। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।